जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज प्रधानमंत्री जी रहे, मुख्यमंत्री जी रहे, राजनाथ सिंह जी रहे, क्या कुछ जो है वो उत्तर प्रदेश से संदेश देने की कोशिश की गई है, कितना इन्वेस्ट आ रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन में, माननीय मुख्यमंत्री ने, सारे नेताओं के संबोधन में एक चीज साफ झलक रही थी कि उत्तर प्रदेश अब अपनी तेज दौड़ के लिए, उत्तर प्रदेश समृद्धशाली उत्तर प्रदेश बनने के लिए, वैभवशाली उत्तर प्रदेश बनने के लिए आतुर है, खड़ा हो गया है, दौड़ने के लिए खड़ा है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के प्रति जो लोगों का विश्वास ग्लोबल रूप से बढ़ा है, आज 26 लाख करोड़ की परियोजना एमओयू अब तक हो चुके हैं। और जिस तरीके से आज मैं पूरे देश भर से, दुनिया भर से जो तमाम इन्वेस्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, तमाम बड़ी बड़े हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति हेड जो यहाँ आए, उन्होंने जिस तरीके से अपनी इन्वेस्ट करने की घोषणा की है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश तेज गति से चलने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, समृद्धशाली उत्तर प्रदेश बनने के लिए, वैभवशाली उत्तर बनने के लिए तैयार खड़ा। इतनी तकरीरें हुई, इतनी बातचीत हुई, तमाम इन्वेस्टर्स आए, विपक्ष जो है वो लेकिन कह रहा सब हवा हवा। देखिए, वो कुंठा में डूब गए हैं, अब उनको कुंठा से बाहर निकलना पड़ेगा, वो अर्ध विक्षिप्त स्थिति में आ गए हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जब आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश विकसित होगा, तो किसी पार्टी का उत्तर प्रदेश नहीं होगा। पार्टियाँ आती रहती हैं, सत्ताएँ आती आती रहती हैं, लोकतंत्र है, लेकिन आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम का, ऐतिहासिक उपलब्धियों का सभी को स्वागत करना चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना, जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि आने वाले समय में एक सपनों का उत्तर प्रदेश बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की है और तमाम उद्योगपति यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।